हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्टोस पे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा पीसी रिकमेंड करने जा रहा हूँ जो 10 से 12,000 के बजट के अंदर अंदर रहते हुए भी आपको 1080p की 40-60 FPS की गेमिंग आराम से करा देगा, वो भी लो टू हाई सेटिंग्स पे। और ये आराम से आपको इतनी गेमिंग करा देगा, तो साथ में ये आपको वीडियो एडिटिंग भी करवा देगा फुल HD की, और साथ में आप इसमें स्ट्रीमिंग भी कुछ हद तक कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पीसी के अंदर जो मैं आपको प्रोसेसर रिकमेंड करता हूँ वो प्रोसेसर आता है इंटेल की तरफ से, इंटेल का कोर 2 क्वाड Q6600। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये मैं मानता हूँ थोड़ा पुराना है, लेकिन ये अभी भी आपको आराम से फुल HD की गेमिंग करवा देगा। साथ में ये वीडियो एडिटिंग में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर 4 कोर और 4 थ्रेड हैं, और साथ में कुछ हद तक आपको स्ट्रीमिंग भी करवा सकता है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको 2.4 GHz की बेस फ्रिक्वेंसी मिलती है, साथ में आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। तो साथ में दोस्तों ये आता है LGA 755 चिपसेट के साथ, और दोस्तों इसके अंदर आपको मिलती है 8 MB की कैश, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों, इसका प्राइस है कुछ ऑनलाइन 1200 रुपीज़ का, और इसका अगर आप इसमें कार्ड्स वगैरह लगाएंगे तो ये आपको कुछ आराम से पड़ जाएगा 1000 रुपये का। लेकिन अगर आप इसे ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप इसे आराम से 600-800 रुपये में ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड कंपोनेंट की, जो है हमारा मदरबोर्ड। तो जो सा दोस्तों हम इसमें मदरबोर्ड यूज़ करने जा रहे हैं वो मदरबोर्ड आता है Zipronics की तरफ से, Zipronics का G41। तो दोस्तों, ये जो सा मदरबोर्ड है ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, ये 16 GB की रैम सपोर्ट करता है। आप इसमें 3 SSD या हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, और साथ में DDR3 रैम सपोर्ट करता है सिर्फ, ये इसकी लिमिटेशन है। लेकिन ये 10 से 12,000 के बजट के अंदर ये जो PC के अंदर हम ये मदरबोर्ड लगा रहे हैं ये एकदम परफेक्ट बैठता है इसके अंदर। और दोस्तों, ये LGA 755 चिपसेट के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। ये आपको आराम से ऑनलाइन पड़ जाएगा 2400 रुपये का कुछ, और अगर आप इसे ऑफलाइन ले जाएं आपको ये 1900 से 2000 रुपये का आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें कार्ड्स वगैरह यूज़ करें आपको ये कुछ 2300 या 2200 रुपये का मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की। और दोस्तों, जो सा हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारी रैम। दोस्तों, जो सी हमारी रैम है वो आती है Hynix कंपनी की तरफ से, और दोस्तों ये DDR3 ये रैम है। तो ये हमारे PC के लिए एकदम सही रैम है। और दोस्तों, हम इसमें 2 GB की 2 स्टिक्स यूज़ करेंगे। इसका दोस्तों जो सा प्राइस है ये प्राइस है कुछ 1300 रुपये दोनों स्टिक्स का साथ में मिला के ऑनलाइन। और दोस्तों, अगर आप इसे ऑफलाइन लेने जाते हैं आपको ये आराम से 800 से 900 रुपये की पड़ सकती है। अगर आप इसे ऑफलाइन लेने जाएं तो आप कोई भी स्टिक चूज कर सकते हैं DDR3 रैम की, और वो भी 2 GB की 2 स्टिक्स आप कोई भी इसमें स्टिक यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे सस्ती पड़ रही थी तो इसीलिए मैंने इसे चूज किया। तो दोस्तों, अगर आप इसे लोकल मार्केट में ले तो आपको ये और सस्ती पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप इसमें कार्ड्स वगैरह यूज करें तो ये आपको ऑनलाइन से कुछ 100-200 रुपये सस्ती पड़ सकती है। तो दोस्तों, स्टोरेज जो हम इसमें यूज करने जा रहे हैं वो है एक हार्ड डिस्क, और ये कंसिस्टेंट कंपनी की तरफ से आती है 320 GB की हार्ड डिस्क। और दोस्तों, इसका प्राइस है कुछ 1100 रुपये, और ये आपको लोकल मार्केट में आराम से 500-600 रुपये की पड़ जाएगी। तो लेकिन अगर आप इसमें कार्ड्स वगैरह यूज करें तो आपको ये 1000 रुपये के तक की आराम से पड़ जाएगी। इस PC के अंदर जो उनसे मैं आपको कैबिनेट रिकमेंड करता हूँ वो आता है Radeon कंपनी का Z2 मिड टावर। और दोस्तों, इस कैबिनेट के साथ आपको एक 450 वॉट की पावर सप्लाई फ्री मिलती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसका प्राइस है कुछ 1900 रुपीज़, वही अगर आप इसमें कार्ड्स वगैरह अप्लाई करें तो आपको 1700 से 1800 रुपये का आराम से पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप लोकल मार्केट में जाके लें तो आपको कैबिनेट कुछ 300 से 400 रुपये का मिल जाएगा, और साथ में अगर आप इसमें पावर सप्लाई भी लेना चाहते हैं लोकल मार्केट से अलग से तो ये आपको 600 से 700 रुपये की आराम से पड़ जाएगी। तो दोस्तों, इस PC के अंदर जो हम ग्राफिक कार्ड चूज़ कर रहे हैं वो आता है Galaxy का GeForce GT 1030, और ये ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा है, भले ही पुराना है लेकिन आपको फिर भी 1080p की गेमिंग आराम से करवा देगा, वो भी 40-60 FPS पर लो से मीडियम सेटिंग्स पर। और दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो है 5500 रुपीज़ ऑनलाइन, लेकिन अगर आप इसमें कार्ड्स वगैरह अप्लाई करते हैं आप इसको 5300-5400 तक आराम से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे लोकल मार्केट से लेंगे तो ये आपको आराम से 4500 से 5000 तक आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारे PC का लास्ट कंपोनेंट। अगर आप इन सभी कंपोनेंट्स का प्राइस जोड़ेंगे तो आपको ये कुछ पड़ेगा 11700 रुपये का। लेकिन अगर आप दोस्तों इसे लोकल मार्केट से लेते हैं तो ये आपको 10,000 से भी नीचे तक का मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।